मजे की बात तो ये है एक्टिवा लेकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। प्रॉब्लम उसमें भी थी, प्रॉब्लम इसमें भी है, सारा सामान सड़ गया था भाई, आग लग गई थी यार। एक तो वाइब्रेशन बहुत है इसमें, एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं कहीं पे, फिर ये कैसे हो गया। सो हे गाइस, दिस इज सैंडी, एक बार फिर से स्वागत है सिनसिनाटी व्लॉग्स में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है पोलो ग्राउंड रोड से। अभी मैं एक्टिवा पे हूँ भाई, फुल पावर, और जा रहा हूँ एजेंसी के लिए। वाइब्रेशन बहुत है इसमें, एक ये भी चीज़ ठीक करवानी है। इसका हॉर्न निकल चुका है, कैसे निकला है मुझे नहीं पता। एक तो ये डलवाना है और दूसरा इसकी वाइब्रेशन बहुत है, और कभी कभी इसकी डिग्गी नहीं लगती है। मोस्ट प्रोबेबली जब सामान रखा होता है, जब डिग्गी बंद करनी होती है, उस टाइम डिग्गी इसकी नहीं लगती है भाई। ये दो तीन चीज़ें हैं ठीक करवाने के लिए, जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ क्या बोलते हैं वो। मज़े की बात तो ये है एक्टिवा लेकर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ये चीज़ें पहले ही पता होती तो इसको कंसीडर ना करता यार। TVS वालों की एंटोर कार रखी है और जुपिटर वालों की 125, काफ़ी फीचर लोडेड कर रखी है और देखने में खूबसूरत ये भी है। बाकी इसकी ना रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड होती है तो रीसेल भी अच्छा मिलता है। इनकेस भगवान ना करे अगर आपको बेचनी पड़ जाए, तो आपको रीसेल वैल्यू इसकी अच्छी मिलने वाली है। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है यार। इंजन मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रिफाइंड है, स्मूथ चल रहा है। और इंजन से अगर कंपेयर करें तो अपन ने पहले रखी हुई थी सुजुकी की असेस 125, जो पुराना मॉडल था, तो वो बहुत बढ़िया था यार। उसमें एक भी वाइब्रेशन नहीं थी और उसका इंजन भी इतना तेज़ था कि हल्का सा थ्रोटल देने में बहुत तेज़ निकलती थी। बट उसमें दिक्कत, देखो किसी के प्लस होते रहे तो माइनस भी होते हैं। उसकी दिक्कत ये थी कि वो थोड़ी हल्की थी और जो पार्ट्स थे उसके, वो सारे बॉडी मतलब प्लास्टिक के थे। प्रॉब्लम उसमें भी थी, प्रॉब्लम इसमें भी है। देखते हैं भाई एजेंसी जाता हूँ, क्या कहते हैं वो। आओ आओ जल्दी आओ भाई, पे सारा सामान सड़ गया था भाई, आग लग गई थी, तो ये ऐसा रखा हुआ है इन्होंने। एनी हाउ भाई, अंदर ले जाऊं, अंदर ले जाऊं इसको। यार एक तो वाइब्रेशन बहुत है इसमें, बनाओ एंट्री पास बना दो भाई। एक तो वाइब्रेशन आगे से बहुत है इसकी, दूसरा इसका जो डिग्गी है अब लग रही है। आपके पास आए हो इसलिए शायद, मैकेनिक के पास ना चीज़ें कई बार ठीक हो जाती हैं। हाँ तो कभी कभी डिग्गी लग जाती है, कभी नहीं लगती। एक्चुअली जब सामान रखना होता है ना तब नहीं लगती। हाँ और एक पता नहीं किसी ने पंगे लेते होंगे, आई गेस बाहर आ गया। मैकेनिक तो दिखा लो कि अब तक ठीक हो जाए। अभी भाई इसमें वाइब्रेशन क्यों है इतने, वाइब्रेशन क्यों है इसमें इतने? सारी गाड़ियों में है या मेरी गाड़ी में ही है सिर्फ? क्या टूटा पड़ा है? ये तो जब से शोरूम से लिए तब से वाइब्रेशन ही है इसमें, तब तो बताया नहीं किसी ने नट ढीला है या टूट गया। ये तो एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं कहीं पे, फिर ये कैसे हो गया? तो वो डाल देना भाई, बहुत परेशान कर रहा है। हाँ सारा डलता ही है, एक बार खोल के चेक करता हूँ। सिनसिनाटी व्लॉग्स है, सिनसिनाटी व्लॉग्स। राइडिंग कर रहे हो? हाँ भाई। ये रहा भाई, हाँ हाँ, ये बाइक है मेरे पास RS 200। सब्सक्राइब कर दूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैंडी। हाँ सैंडी, सैंडी, मेरा नाम सैंडी। चलो सब्सक्राइबर मिल गए भाई, सैंडी भाई ने अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो अपनी एक्टिवा खुल चुकी है और कुछ ऐसी लगती है। सो हियर इज गाइस, टाटा वालों की बैटरी लगाते हैं ये एक्टिवा वाले, तो ये बैटरी में फॉल्ट आ रखा है। एक्चुअली एक साल की गारंटी है अभी, तो ये चेंज हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हार्डली एक से दो दिन लगेंगे इनको। अभी के लिए किक से स्टार्ट करने पड़ेगी गाड़ी अपनी। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे। सो फाइनली भाई गाड़ी को बाहर लेकर आ चुका हूँ। अब इसमें बैटरी नहीं डली हुई क्योंकि वो ख़राब हो चुकी है। ख़राब इस वजह से हुई थी क्योंकि इसका RPM जो था वो काफ़ी लो था, अभी बढ़ा दिया है तो अच्छे से चार्ज नहीं कर पा रही थी वो बैटरी को। सो इस वजह से अपनी बैटरी ख़राब हो चुकी थी। बाकी एक साल का वारंटी में था गाड़ी,
तो बैटरी तो अपनी चेंज हो जाएगी, एक दो दिन लगेंगे मे बी, होप सो जल्दी हो जाए, क्योंकि यार बार बार स्कूटरी को खड़ा करके ऐसे किक मारना भी थोड़ा अजीब ही लगता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। ऐसे सेल्फ स्टार्ट भी नहीं है तो साइलेंट स्टार्ट है। पर्सनली मैं उस बंदे का नाम लेना चाहूँगा जिसने इस गाड़ी को देखा, भाई का नाम राहुल है यार, बहुत अच्छे से यू नो टैकल की सारी चीज़ें और काफ़ी अच्छा लगा। ओ भाई वो बढ़ा ली गाड़ी, वो गाड़ी बढ़ा ली भाई, खींच ली एकदम से। पीछे से अपने पुलिस वाले ने फोन तो किया है, काइंड ऑफ देखो क्या होता है। पकड़ो इस गाड़ी को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई है कोई है कोई है। की गाड़ी में अभी वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो नट है वो कस दिया है अंदर से। स्टार्टिंग में जब गाड़ी लेकर आया था तब इनको पता नहीं चल रहा था कि नट की प्रॉब्लम है, फाइनली ये पता लग गया है नट की प्रॉब्लम है। अभी देखो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आ रही, ऐसे मैं फील कर रहा हूँ। और बी ऑनेस्ट गाड़ी अब बहुत सही चल रही है, लुक वाइज तो मस्त लगती है ये, बाकी इसमें पावर इंक्रीज का तो सीन लग नहीं रहा, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्मूथ चल रही है, स्मूथ पहले भी चलती थी, अब थोड़ी फुल चेकिंग हो चुकी है इसकी, बाकी ऑयल वगैरह दे रखा है अंदर से बिल्कुल साफ करके और मस्त लग रही है। अगर आप पटियाला से वीडियो देख रहे हो तो एक बार राहुल भाई से ज़रूर मिलना, अपने बता देना कि भाई ब्लॉगर आए थे यार, क्योंकि कैमरा चल रहा था पूछ ही रहे थे वो। इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो एक कर देना सब्सक्राइब बटन हिट। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।